हेलो एवरीवन, हम आ गए हैं। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरी। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और नया रियल सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस लेकर। हमारे आज का जो इंसिडेंट है, ये कहानी है, ये करीबन 25-30 साल पुरानी है और इस कहानी के अंदर है ब्लेंड सुपरनैचुरल का, आपके अंधविश्वास का, रूप बदलते हुए लोगों का और ऐसी अनोखी कहानी का जिसके बारे में आप सुनेंगे तो आपको लगेगा ये सब कैसे पॉसिबल है। वैसे जितनी भी सुपरनेचुरल स्टोरीज होती हैं उन सब में ये पॉइंट तो कॉमन होता ही होता है कि ये सब कैसे पॉसिबल है, लेकिन जिन लोगों के साथ होता है, जिनकी फैमिली में होता है, वही इस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं। और कुछ ऐसे डिस्क्राइब किया है हमारे साथ श्रेया ने जो उनकी नानी के साथ हुआ, और ये बिलोंग करते हैं बिहार के चंपारण जिले से। और यहाँ श्रेया की नानी के साथ जो भी कुछ हुआ उसने पूरे परिवार को हिला के रख दिया। तो ये बात उस टाइम की है जब श्रेया की नानी, जिनका नाम था मालती देवी, वो शादी उनकी हुई थी और वो अपने ससुराल में आई थी। तो कई गांवों में, बिहार के भी कई गांवों में, यूपी के भी कई गांवों में ऐसी एक प्रथा है कि जब दुल्हन की शादी होकर वो ससुराल जाती है तो करीबन 5-6 दिन जो ससुराल में रिचुअल होते हैं उनके लिए दुल्हन वहाँ पर रुकती है और उसके बाद वो वापस लौट कर 5-6 दिनों में अपने मायके आती है। करीबन 25-30 दिन शायद उससे ज़्यादा वो अपने मायके रुकती है, उसके बाद दोबारा उसको ससुराल लेकर जाया जाता है। तो अगर आपके गांव में भी ऐसी प्रथा है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये प्रथा सही है या नहीं। वैसे हमारे राजस्थान के भी कई गांवों के अंदर सेम प्रथा फॉलो होती है। अब चलिए, यहाँ पर तो कहानी में सब अपनी प्रथा का निर्वाह कर रहे हैं, मतलब अपनी परंपरा को निभा रहे हैं, लेकिन आप लोग हमारी परंपरा को नहीं निभा रहे हैं। भाई, आप में से करीबन 55% लोग कहानी को सुनते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन ना तो वीडियो को लाइक करते हैं और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। भाई, आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारा मोटिवेशन है, तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें। हम भी एक प्रथा बनाएं कि जो भी कोई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, अगर आपके पास कोई सुपरनैचुरल स्टोरी है या फिर कोई एक्सपीरियंस है तो आप स्क्रीन पे दी गई आईडीज पर या फिर इस व्हाट्सएप नंबर पर भी हमसे अपने इन एक्सपीरियंसेस को शेयर कर सकते हैं। तो जिस दिन मालती देवी शादी होकर अपने ससुराल गई, अब आप सभी समझते हैं कि जब नई नई दुल्हन ससुराल पहुँचती है तो एक रस्म होती है, हम बोलते हैं मुँह दिखाई की रस्म। मुँह दिखाई की रस्म के अंदर गाँव के, मतलब घर के आसपास कितने भी लोग होते हैं, ये रस्म चाहे गाँव हो चाहे शहर हो, सभी के अंदर होती है। तो जो अड़ोस पड़ोस के लोग आते हैं वो नई दुल्हन को देखने आते हैं, घूंघट उठाकर उसे देखते हैं और फिर उसको कुछ गिफ्ट देते हैं। जो क्लोज मेंबर्स होते हैं वो कोई सोने की रिंग देता है, कोई पायल पैरों में पहनने की पायल देता है, और जो अड़ोसी पड़ोसी होते हैं वो कुछ कैश वगैरह देते हैं। शहरों में हो तो 100-500 रुपये और गाँव में हो तो 11 रुपये, 21 रुपये, 51 रुपये, और अगर आप बहुत ही ज़्यादा दानी हो तो 101 रुपये। खैर, मजाक कर रहा हूँ, बचपन में मैंने ये सब देखा है इसलिए बता रहा हूँ कि जनरली हमारे घर में जब कोई शादी होकर आता था तो हमारे जो पेरेंट्स थे या हमारे जो रिश्तेदार थे वो जाते थे, ऐसे 11 रुपये निकाल के देते थे, है ना, मुँह दिखाई के। तो ऐसे ही वो पहुँची और उनकी मुँह दिखाई की रस्म चल रही थी। तो अड़ोस पड़ोस से गाँव के कई औरतें वहाँ पर आ रही थी और उसका घूंघट उठा उठा कर उसको देख रही थी और मुँह दिखाई का शगुन जो था वो उसकी झोली के अंदर रख कर जा रही थी। लेकिन इन्हीं अनजान चेहरों में आया एक और ऐसा चेहरा जिसने मालती देवी की ज़िंदगी को पलट कर रख दिया। तो वह यूँ कि मालती देवी कमरे के अंदर बैठी हुई थी और औरतें सब एक साथ तो आते नहीं, तो आए जा रहे थे, पूछ रहे थे भाई नई दुल्हन कहाँ है, बोले अपने कमरे में बैठी है, वहाँ जाते। तो ऐसे ही वो बैठी हुई थी, उसका एक लंबा सा घूंघट अपने चेहरे के ऊपर गिरा हुआ था और तभी उसके कमरे में एक औरत की एंट्री होती है। उस औरत के कमरे के अंदर पैर रखते ही पूरा कमरा बिल्कुल ठंडा हो जाता है, एक ठंडी हवा की जो लहर होती है वो पूरे कमरे के अंदर फैल जाती है और वो जाकर मालती देवी को भी टच करती है। वो ठंडा एहसास होती है, अपनी नज़र हल्की सी ऊपर उठाती है तो सामने घूंघट में से उसको दिखता है कि एक औरत बिल्कुल काले कपड़े पहने हुए उसके कमरे के अंदर आई है। वो एक बार तो सोचती है कि इस तरह से शगुन वाले दिन काले कपड़े पहन के कौन आता है, फिर उसे लगा कि हो सकता है गांव में अड़ोस पड़ोस की कोई महिला हो। वो औरत चलकर मालती देवी के पास आती है और उसका घूंघट उठाती है और जैसे वो घूंघट उठाती है अपनी नज़र उठाकर उस औरत को देखती है तो मालती देवी उस औरत को देखती ही रह जाती है, क्योंकि वो औरत देखने में बला की खूबसूरत थी। बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आँखें और बिल्कुल एकदम गोरा चेहरा और पूरा शरीर का रंग ऐसा जैसे दूध से नहा करवाई हो, और उसके ऊपर उसने वो जो काला कपड़ा पहना हुआ था वो बला की खूबसूरत लग रही थी। आदमी तो आदमी, एक औरत भी उसके रूप को निहारने के अंदर खो चुकी थी। थोड़ी देर के लिए मालती देवी उस औरत को सिर्फ निहार ही रही थी। वो मालती देवी को होश में लाती और बोलती, अरे दुल्हन, मुँह दिखाई तुम्हारी है मेरी नहीं, लो मिठाई खाओ। और वो मालती देवी को मिठाई खिलाती है, एक सफ़ेद रंग की मिठाई होती है और वो उसके उसके मुँह में देती है।
मालती मिठाई खाती और जैसे उसने मिठाई खा के खत्म ही की थी कि तभी उसके कमरे में चार पांच औरतें आती है, और जैसे वो औरतें आकर उस औरत को देखती है, वो उस औरत को वहां से धुतकार के भगाती है, अरे तू यहाँ पे कैसे आ गई, भाग यहाँ से भाग, तेरे को पता नहीं नई दुल्हन है, तू कैसे आई यहाँ पर। और उसकी जो सास होती है वो कुछ चला कर बोलती है, अरे सुनो देखो नई दुल्हन के यहाँ पर ये कजरी आ गई है। अब ये सब देखकर मालती देवी को बड़े बुरा लगता है कि अरे कैसे बिहेव करे इस औरत से। उधर बाहर से उनको उनके सास को चिल्लाने की आती है, अरे करमजली तू यहाँ पर कैसे आ गई, किसने बुलाया तुझे, भाग जा मेरे घर से। उसको भगाने के बाद वो भागते अंदर आती है और मालती से पूछती है, सुन तुझे तुझे उसने कुछ खिलाया तो नहीं, तुझे कुछ खाया तो नहीं। मालती देवी सोचती है कि आज नहीं हूँ, अगर ऐसा कुछ मैं बोल दूंगी कि मैंने खा लिया है तो हो सकता है मेरी डांट पड़े। तो घबरा गई थी एकदम से, तो उसने बोला नहीं माँ जी मैंने कुछ भी नहीं खाया है। ये बोलकर उसकी जो माँ जी थी, जो सास थी, थोड़ी आराम से रहती है, अच्छा हुआ चल ठीक है, ऐसे बेटा किसी भी अनजान आदमी के हाथ से कुछ भी नहीं खाना चाहिए। इतना बोलकर वहाँ से चली गई। अब मालती देवी को समझ में आता कि सब क्या हुआ, उसे बस एक मंजर याद था कि जब वो औरतें कजरी को वहाँ से बाहर निकाल रही थी तो कजरी मालती को देखते हुए एक अलग ही मुस्कान के साथ मुस्कुराते हुए जा रही थी। खैर इन लोगों के जाने के बाद उसकी ननद बबीता वहाँ पर आती है। उसकी जो ननद थी वो उससे करीबन दो तीन साल ही छोटी थी, ज़्यादा इनका एज डिफरेंस नहीं था। तो वो आती है और वो आकर जब उसके पास बैठती है तो वो बबीता से पूछती कि आखिर ये सब लोगों ने इस औरत के साथ ऐसा बर्ताव क्यों किया, वो तो सिर्फ मेरा मुँह दिखाई की रस्म पर आई थी। तो वहाँ से बबीता बोलती है, अरे उसका नाम कजरी है और गांव के लोग कहते हैं वो डायन है, उसकी 3 बार शादी हो चुकी है और अपने तीनों पतियों को खा चुकी है, और लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो नई दुल्हनों का शिकार करती है, इसलिए भाभी उसको ना सब अपने घर से दूर रखते हो, जिसके घर में शादी हुई हो उसमें तो उसे आने ही नहीं देते हैं, पता नहीं कैसे नज़र बचा के उस घर के अंदर आ गई, लेकिन भाभी कभी तुम्हारे आस पास आए ना तो तुम उससे बातचीत मत करना, तुम उससे दूर ही रहना। अब ये बात सुनकर जो मालती देवी थोड़ा घबरा जाती है, लेकिन वो सोचती है कि उन्हें तो यहाँ पर 4-5 दिन ही रहना है, अगर मैं किसी से बोलूँगी तो बात बिगड़ेगी, उसके बाद तो मैं घर चले जाऊँगी और जो भी कुछ होगा, ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, कोई मिठाई तो खिला के गई है, और अगर ऐसी कोई दिक्कत होगी भी तो वो तो यहाँ पर है, मेरे घर पर तो कुछ ऐसा होगा ही नहीं। तो ये सोचकर वो किसी से कुछ भी बोलती नहीं है। अब रात को इनके घर में एक पूजा थी जहाँ पर मालती देवी को अपने पति के साथ एक हवन पर बैठना था। तो रात को तैयार वैयार होकर उस हवन पर बैठी, और जैसे हवन पर बैठी बैठते उसको उल्टियाँ होना शुरू हुई, और उल्टी ऐसी नहीं कि एक बार हो या दो बार हो, लगातार एक बार उल्टी हुई, थोड़ा सा पानी पिया फिर उल्टी हो जाए, फिर पानी पिए फिर उल्टी हो जाए, उसको इतनी तेज़ उल्टियाँ हुई कि वो पूजा रोकनी पड़ी और उसको उसके कमरे में लेकर गए। उस टाइम पर डॉक्टर्स वगैरह की इतनी सुविधा नहीं होती थी तो उनको सुबह तक वेट करना था। तो जैसे ही वो वहाँ से उठकर पलंग पर गई, वो लेट गई, क्योंकि आप समझते हैं 8-10 उल्टे करने के बाद आदमी की खड़े रहने की हालत नहीं होती, लेकिन जैसे वो लेटे उसको थोड़ा आराम आया तो सब लोगों ने ये सोचा कि चलो नई बहू है, हो सकता है शादी में कुछ खाना पीना उल्टा सीधा हो गया, उसकी वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई है, इसको हम सुबह तक आराम कर लेते हैं, और किसी ने इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। आधी रात के बाद जब घर में सब सो रहे होते हैं तो इसको होश आता है, इसको प्यास लगती है, प्यास लग तो पानी पीने के लिए अपने कमरे के बाहर एक नल लगा हुआ था वहाँ पर पहुँचती है, और जैसे नल पर पहुँचकर वो पानी भर रही होती है पीने के लिए तो उसे किसी की आहट महसूस होती है। आहट को महसूस होते चारों तरफ देखती है तो आसपास घर में कोई नहीं था, लेकिन तभी उसे एक औरत की आवाज़ आती है, अरे दुल्हन हमसे क्यों शर्मा रही हो। ये आवाज़ की तरफ जब वो देखती है तो नल के जस्ट सामने उनके घर में खिड़का था, खिड़का में बड़ी सी विंडो थी, और उस विंडो के उस तरफ कजरी खड़ी हुई थी, वही औरत जो सुबह मालती देवी से मिलने आई थी, उसको भगा दिया गया था, और अब भी वो उसी काली ड्रेस के अंदर खड़ी हुई थी, और उसका वो मोह लेने वाला रूप वापस से मालती देवी को दिखाई दे रहा था। उसको देखते ही उसे अपनी ननद की बात याद में आई और उस फटाफट से घूमकर अपने कमरे में जाने लगी। तभी वो औरत बोलती, अरे रुको तुमने बहुत उल्टियाँ की है ना, ये लो ये इमली खाओ, इस इमली को खाने से तुम्हारा मन अच्छा हो जाएगा और तुम्हें दोबारा उल्टी भी नहीं होगी। उसकी बात सुनकर मालती देवी उसकी तरफ घूमती है, पता नहीं क्या जादू था उसकी बातों में कि वो एक तरह से हिप्नोटाइज हो गई थी और वो खुद चलकर उस औरत के पास जाने लगी। मालती अपने आप को रोकना चाह रही थी लेकिन पता नहीं ऐसा कौन सा अट्रैक्शन फोर्स था जो उसे उसकी तरफ खींचे जा रहा था। उसके पास में पहुंचकर वो इमली उसके हाथ से लेती है और उस इमली को वो खा लेती है। उस इमली को खाते ही उसे चमत्कार होता है कि उसका जो जी खराब हो रखा था उसका वो जी ठीक हो जाता है। उसे अच्छा लगता है तो उस औरत से बोलती है कि आपको कैसे पता कि मैंने उल्टियाँ की थी। तो वो औरत कहती है कि अरे बहू ये गांव है, छोटा सा गांव है, इसमें हर चीज़ की खबर आग की तरह फैलती है, लोग बातें कर रहे थे कि नई बहू को उल्टियाँ हो रही है, मुझे ही पता लग गया, अब दिन में तो लोग मुझे तुम्हारे पास आने नहीं देते, इसलिए मैं इस वक्त आई हूँ कि तुम्हें
इलाज दे सकूँ, तुम्हारी इस उल्टी की वजह से तुम्हें बहुत परेशानी हो रही होगी, इस परेशानी को मैं दूर कर दूँ। इसके बाद मालती उस औरत से बोलती है, एक बात बताइए, आप इतनी सुंदर हैं लेकिन ये सब गांव वालों ने आपको सुबह भगा क्यों दिया था? तो ऐसे ही वो मुंह बनाकर बोलती है, अरे क्या बताऊं बहू तुमको, मेरी शादी हुई थी, मेरी शादी के बाद मेरे पति की मौत हो गई, फिर उसके बाद मेरी दोबारा शादी कर दी गई उनके ही भाई से, जिनकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई, और उसके बाद से ये गाँव वाले मुझे मनहूस मनहूस कहते हैं और मुझसे दूरी बना कर रखते। तुम बताओ क्या मैं मनहूस हूँ? अगर मेरे दोनों पतियों की मौत किसी और वजह से हो गई तो क्या उसका कारण मैं हूँ? ये सारे गांव वाले मुझे उसका कारण मानते हैं। और इतना कहकर वो सिसक सिसक कर रोने लगी। उसकी बातें सुनकर मालती देवी को उसके ऊपर दया आ गई और वो उससे कुछ और बोल पाते तभी उसे अपने घर में किसी के आने की आहट हुई। उसने फटाफट से कचरी बोला कि तुम यहाँ से जाओ, और वो खुद भी चुपचाप घूमकर अपने कमरे में चली गई। अगली सुबह जब मालती देवी उठी तो उन्हें बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फील हो रही थी, इतनी कि उनको चलने में भी परेशानी हो रही थी। उनके सास जब उनके पास जाकर देखती है तो बिल्कुल चौंक जाती है, क्योंकि जो कल नई दुल्हन आई थी उसका चेहरा बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था और आंखें बिल्कुल पीली हो गई थी, जैसे किसी ने उसके शरीर से खून ही खींच लिया हो। तो उसकी हालत ऐसी हो गई तो वो लेकर डॉक्टर के पास पहुँचे तो डॉक्टर ने कहा कि हो सकता है इसने शादी में कुछ ख़राब खाना खा लिया हो, है ना, तो पीलिया भी हो सकता है, फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है, तो कोई बात नहीं, मैं दवाई दे रहा हूँ, एक दो दिन में इसको आराम आ जाएगा। तो ये लोग दवाई वगैरह लेकर घर वापस आ रहे थे तभी रास्ते में मालती देवी को वॉशरूम आता है, तो वो अपनी सास से बोलते कि माँ जी मुझे टॉयलेट जाना है। तो रास्ते में गाड़ी रुकवाई जाती है तो मालती देवी के साथ उनकी सासुमाँ भी जाती है लेडीज़ को लेकर थोड़ा अंदर, सड़क थी, सड़क से नीचे उतर के जा रही होती हैं। तो दिन का समय होता है और उनकी जो सास होती है वो उसका हाथ पकड़ के चल रही होती है, तो चलते चलते उसकी सास की नज़र मालती देवी की परछाई पर पड़ती है तो बिल्कुल चौंक जाती है, क्योंकि मालती देवी चल रही थी, उनकी खुद की परछाई तो चली रही थी, उनके साथ साथ एक औरत की परछाई भी चल रही थी। परछाई देखते उन्होंने सामने देखा तो वहाँ सिर्फ मालती देवी थी, लेकिन परछाई पे देखा तो वहाँ पर दो औरतों की परछाई थी। ये देखकर वो चौंक गई और उन्होंने मालती देवी से कुछ नहीं बोला, वो चुपचाप उसको टॉयलेट करवा के वापस गाड़ी में आकर बैठ गई। अब इनके सास को ये शक हो गया था कि मालती देवी के ऊपर कोई ना कोई साया है, तो वो उसको कुछ भी नहीं बताती कहीं वो नई बहू है घबरा न जाए। वो घर पहुंचती है और घर पहुंच पर माता रानी की धार लेकर आती है। माता रानी की धार क्या होती है, इनके घरों में नवरात्र के टाइम पर एक जल होता है पानी, नॉर्मल जो गंगा जल होता है, गंगा जल के अंदर बहुत सारी चीज़ें मिलाकर ये माता जी को चढ़ाते हैं और फिर उस जल को एकत्रित कर लेते हैं, जिसे लोग धार कहते हैं। तो वो अपनी बहू को एक जगह बिठाते हैं और उस धार से उसके ऊपर 7 बार ऐसे वारती हैं और फिर घर से बाहर निकलकर घर के सामने एक पौधा होता है, उस पौधे में जाकर वो उस धार के पानी को डाल देती है। तो जैसे वो धार को उस पौधे में डालती है तो जो नॉर्मल पानी का रंग होता है वो बिल्कुल लाल हो जाता है, और जिस पौधे पे वो धार डालती है वो पौधा एकदम से बिल्कुल सूख जाता है। ये देखकर वो बुरी तरह घबरा जाती है और अब उनका जो शक था वो कन्फर्म हो चुका था कि इस लड़की के ऊपर कुछ ना कुछ ऊपरी मामला है। ये देखकर वो फटाफट से भागकर मालती के पास जाती है, जाके देखती है तो मालती के नाक से खून बह रहा था और वो पलंग के ऊपर बिल्कुल बेहोशी पड़ी हुई थी। वो जाकर जैसे ही मालती को टच करती है तो उनको एक घुर्राने की आवाज़ आती है। चारों तरफ देखती है कहीं कोई कुत्ता उत्ता तो नहीं आ गया घर में, लेकिन फिर जैसे दोबारा उसको टच करती है फिर से उनको वही घुर्राने की आवाज़ आती है। जब 2-3 बार ऐसा होता है तो वो घबरा जाती हैं और वो जाकर, उनके घर में कोई नहीं था उस टाइम पर, वो जाकर अपने अड़ोस पड़ोस की औरतों को बुला लाती है। और जब तक वो एक दो औरतों को पड़ोस बुला कर ला रही होती है कि उन्हें मालती देवी अपने घर से भागती हुई दिखाई देती है उधर खेतों की तरफ। वो उसको आवाज़ लगाती है बट वो रुकती नहीं है, और उसको भागता हुआ देखकर वो और तेज़ चिल्लाती है, क्योंकि अरे देखो वो भाग गई, मेरी बहू भाग गई, मेरी बहू भाग गई। आसपास की औरतें भी अपने घर में से लोगों को बुलाती है और थोड़ी देर में आसपास के घर के जितने भी लोग थे 10-12 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। और ऑलमोस्ट उसी टाइम पर इनके हस्बैंड और मालती देवी के पति भी खेत से आ चुके थे। जैसे ही वो आते हुए उनको बताती है कि किस तरह से जब उसको टॉयलेट करवा के लेकर आ रही थी उन्होंने देखा कि उसके ऊपर एक छाया थी, यहाँ पर माता जी की धार डाली थी उसका रंग बदल गया और उसके बाद वो बेहोश पड़ी हुई थी, मैं तो ये पड़ोस वाली काकी को बुलाने आई थी, इतनी देर में तो वो उठकर भाग गई। अब जैसे ही वो भागी पूरा का पूरा गांव, जितने भी वहाँ के लोग थे वो सब के सब निकल चुके उस सर्च ऑपरेशन पे मालती देवी को ढूंढने। अच्छा, जो सारा इंसिडेंट हुआ इसमें ना शाम हो चुकी थी और जब ये भागी तो ऑलमोस्ट मतलब शाम ढलने ही वाली थी, तभी जिनके हस्बैंड वगैरह भी थे वो भी खेत से वापस आए थे। सारा गांव इकट्ठा हो गया, कुछ लोग अपने वो जो लैंटर्न्स होती हैं क्या बोलते हैं लालटेन, वो लालटेन लेकर आ गए, कुछ लोगों के हाथ में लकड़ियाँ वगैरह थी वो सब लेकर उसको
ढूंढने निकले। अच्छा, जो खेत वाला एरिया था, ऐसा था कि बहुत घना जंगल आसपास हो इसके, ऐसे ही खेत का एरिया था जिसमें आसानी से अगर कोई खेत में छुप रहा हो तो उसको आप ढूंढ सकते हो, दूर से दिख जाएगा। लेकिन गांव के सभी आदमी चारों दिशाओं में ढूंढ कर आ गए, उनको कहीं पर भी मालती देवी नहीं मिली। गाँव की सभी औरतें इन्हीं के घर पर बैठी हुई थी, और जब सभी आदमी लौट कर वापस आए खाली हाथ, तो सब उनके पास आती है, पूछते कि वो कहाँ पर है। सबके सब बोलते कि हमने पूरा गांव छान मारा लेकिन वो हमको कहीं पर भी नहीं मिली। अब तक पूरा अंधेरा ढल चुका था, और जैसे ही बात हुई कि मालती देवी कहीं किसी को नहीं मिली है, तभी सब लोगों को एक साथ एक औरत की बहुत तेज चीखने की आवाज़ आई। और जैसे ही उस आवाज़ की डायरेक्शन सब लोग देखते हैं, वापस से आवाज़ आती है, तो थोड़ी देर में सबको क्लियर हो जाता है कि सामने थोड़ा सा आगे चल के एक महुए का पेड़ है, और उस महुए के पेड़ से आवाज़ आ रही थी, और उस महुए के पेड़ के ऊपर वाली डाली के ऊपर मालती बैठी हुई थी। मैं आपको बताऊँ, महुए का जो पेड़ होता है उसकी बहुत सारी शाखाएं होती हैं, लेकिन वो सभी शाखाएं ऊपर की हाइट पर होती है, नीचे उसका सीधा तना होता है। जिन लोगों के आसपास महुए का पेड़ है वो इस चीज़ को कंफर्म कर दें, और किसी भी नॉर्मल आदमी के लिए उस महुए के पेड़ पर चढ़ पाना आसान काम नहीं होता है। और जो सब लोग देख पा रहे थे, मालती देवी वहीं एक डाल के ऊपर बैठी हुई थी, और उन सबको देखकर एक अजीब सी आवाज़ में हंस रही थी। वो मालती जो पलंग पर पड़ी हुई थी, इसके चलने की हालत नहीं थी, उल्टियों से जिसकी हालत ख़राब हो गई थी, वो महुए के पेड़ के एक ऊंची डाली के ऊपर जाकर बैठ गई थी। कैन यू इमेजिन, ये पॉसिबल कैसे है? सारे गाँव वाले उस पेड़ के पास में इकट्ठा हो जाते हैं, उन सबको देख कर मालती देवी उस डाल के ऊपर से लेट जाती है, और लेटकर बोलती है, मुझे पकड़ेगा, आप पकड़। और इतना कहकर वो अपने मुंह से लार गिराती है, और वो जो लार गिरती है, एक्चुअली लार नहीं होती, वो खून होता है, और बहुत जोर जोर से वो हंसने लग जाती है सबको देखकर। सारे गांव वाले उसको देखकर ये समझ जाते हैं कि जो भी कुछ है इसको पकड़ना इनके बस की बात नहीं है। उस रात सारे गाँव वाले जो भी मर्द थे वो वहीं पहरा देते हैं, इसलिए कि कहीं रात को वो उतर कहीं और भाग ना जाए। और सुबह होते ही मालती देवी के पति और दो चार लोग जाकर एक तांत्रिक को बुला कर लाते हैं। उस तांत्रिक को आता देख मालती देवी उसको बहुत अलग अलग तरीके से बहुत तेज तेज गालियां देना शुरू करती है, और फिर उसको देखकर बहुत तेज तेज हंसने लग जाती है। वो तांत्रिक उस पेड़ के नीचे आता है और बैठकर उसको ऊपर देखता है। थोड़ी देर देखने के बाद वो बैठता है, मंत्र पढ़ना शुरू करता है, लेकिन उसके मंत्रों का मालती के ऊपर कोई असर नहीं होता है। जब आधे घंटे तक कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, तो उठता और बोलता है कि इस औरत के ऊपर मेरे मंत्रों का असर नहीं हो रहा है, क्योंकि इसके ऊपर जो भी कुछ है वो यहाँ नहीं है, इसको कहीं और से बैठकर कंट्रोल किया जा रहा है। तभी सब गांव में कजरी के बारे में बात करते हैं, और बोलते हैं कि हो सकता है वो कजरी ये काम कर रही हो, क्योंकि मुँह दिखाई के दिन कजरी इनके घर पर आई थी। जैसे ये बात होती, तांत्रिक बोलता है मुझे उसके घर लेकर चलो। ये सब लोग उसके घर पहुंचते हैं, और जब ये घर पहुंचते हैं तो जाके देखते हैं कि वहाँ पर बीच में कजरी बैठी हुई है, बाल उसके खुले हुए, उसने तिलक लगाया हुआ है, उसने एक गोला बनाया हुआ, और उस गोले के अंदर एक गुड़िया उसने रखी हुई है, इसको गुड़िया बोलते हैं बेसिकली, एक गुड़िया रखी हुई है, और वो कुछ बोले जा रही। और जैसे उसने सब लोगों को तांत्रिक को देखा, वो उठकर गुड़िया उठाकर वहाँ से भागने लगी। उसको भागता हुआ देखकर वो तांत्रिक बोलता है कि उस औरत के हाथ से वो गुड़िया जल्दी से ले लो, अगर वो गुड़िया यहाँ से चली गई उसके साथ में, तो फिर उस औरत को कोई नहीं बचा सकता है, उसने उसकी आत्मा को इसी में वश किया हुआ है। उसके बाद सुनकर सारे गांव वाले उसके पीछे भागते हैं, लेकिन एकदम से उन सबकी आंखों से ओझल हो जाती है। वो चारों तरफ उसको देखते हैं, लेकिन किसी को वो कहीं पर भी नहीं मिलती है। थक हार कर वो वापस से उन बाबा के पास आते हैं, और आगे बोलते हैं कि महाराज पता नहीं वो तो कहाँ चली गई, आप ही कुछ उपाय देखो। तो बाबा उनसे बोलते हैं कि बाकी काम छोड़ो, सबसे पहले इसके घर को आग लगाओ। और सारे गांव वाले उसके घर को आग लगाते हैं, और जैसे उसके घर को आग लगाते हैं, एकदम से आग के बीच में से वो जो कजरी थी वो भागते ही बाहर निकलती है। सब लोग उसको देख के हैरान हो जाते हैं कि ये तो उधर भागी थी, घर में से कैसे निकल रही है। और जैसे वो भागने वाली होती है, वो बिल्कुल उन तांत्रिक के सामने आ जाती है, वहाँ उसको बाल पकड़ के नीचे बिठा देते हैं, और इधर वो जो गुड़िया बनाई हुई थी उसने, वो उसी घर की आग के अंदर जल जाती है। और जहाँ ये यहाँ गुड़िया जलती है, और उधर उस पेड़ के ऊपर से जो मालती देवी बैठी थी डाल के ऊपर, वो बेहोश होकर वहाँ से नीचे गिरती है। अब ये तो शुक्र था कि लोगों ने सब लोग पहले प्लानिंग की हुई थी, वहाँ पर जो औरतें थी उनको बिठा रखा था कि बाई चांस कुछ भी ऐसा हो कि वहाँ से गिरे तो उसको संभाल ले, तो उन लोगों ने सारी तैयारियाँ की हुई थी। और जैसे ही वो वहाँ से गिरी, उन सारी औरतों ने मिलकर मालती देवी को संभाल लिया। इधर कजरी को लेकर सब लोग उसी महुए के पेड़ के नीचे पहुंचते हैं, उसको वहां पर बांध देते हैं। उसको बांधने के बाद सब लोग जो सरपंच होते हैं गांव के जो प्रोमिनेंट लोग होते हैं, सब उससे पूछते हैं, तांत्रिक भी साथ में होता है, कि पता तो ये सब क्यों कर रही है। पहले तो वो कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करती है, लेकिन उसके बाद वो तांत्रिक उसको बहुत यातना है, बहुत कष्ट देता है, फिजिकली नहीं, उसको मेंटल टॉर्चर करता है अपने मंत्रों के थ्रू। तब हार मानकर वो एक्सेप्ट करती है,
कि हाँ वो मालती देवी का खून पीने आई थी, उसका खून पीकर वो अपने आप को जवान रखना चाहती थी। और सिर्फ इतना ही नहीं, गांव में आज तक जितनी भी नई दुल्हनों की मौत हुई है, उनके पतियों की मौत हुई है, उन सबका कारण भी वही है, क्योंकि उसने एक ऐसी विद्या सीखी हुई है जिससे वो उनको मारकर अपने आप को जवान रख सकती है और अपनी उम्र को बरकरार रख सकती है। ये जो बात मैं बता रहा हूँ आपको, ये लेजेंड है, ये बहुत जगह पर चलता है कि वाकई में ऐसा पॉसिबल होता है कि कुछ ऐसी लेडीज होती हैं, और इसमें अंधविश्वास भी बहुत है, और इसी के चलते बहुत सारे जगहों पर औरतों के साथ अन्याय भी हुआ है। तो ये सिर्फ एक स्टोरी है, मैं इसमें किसी भी सुपरस्टिशन को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, और मुझे तो ऐसा लगता भी नहीं है कि ऐसा कुछ पॉसिबल है। क्या आपको लगता है कि वाकई में ऐसा होता है? आपके आसपास ऐसी कोई जगह है? जैसे यहाँ पर इस स्टोरी में इन्होंने शेयर किया, आज से करीबन 40-45 साल पुरानी ये बात है, तो उस टाइम पर ये चीज़ें ज़्यादा चला करती थी। आपको क्या लगता है? अपने व्यूज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। खैर, जब उसने एक्सेप्ट कर लिया तो पूरे गाँव वालों को उसके ऊपर गुस्सा आ गया और सभी के सभी उसको हाथों हाथ उस पेड़ के साथ जला देना चाहते थे। लेकिन उस तांत्रिक ने सबको रोका और कहा कि आज अगर तुमने इसको यहाँ मार दिया तो इसकी आत्मा और शक्तिशाली हो जाएगी और ये पूरे के पूरे गांव को बर्बाद कर देगी। सभी गांव वाले उनकी बात मानते और बोलते हैं, तो फिर महाराज क्या करें? बोले, तुम चिंता मत करो, इसको मैं अपने साथ लेकर जा रहा हूं और इसको मैं हमेशा हमेशा के लिए बांध दूंगा और दोबारा कभी किसी और को परेशान नहीं करेगी। सभी गांव वालों ने उस तांत्रिक की बात मान ली और वो तांत्रिक कजरी को अपने साथ लेकर वहां से चला गया। उसके बाद दोबारा कभी कजरी गांव में किसी को दिखाई नहीं दी। मालती देवी की तबीयत बिल्कुल ठीक हो चुकी थी और उसके बाद उनकी दो बेटियां हुई 2 साल के अंतराल में, जिसमें से एक का नाम था सुलेखा और दूसरे का नाम था शांति। और ये कहानी हमें शांति ने ही शेयर की है, जो कि श्रेया की खुद की मासी थी। और इस तरह से उस भले तांत्रिक ने पूरे गाँव को कजरी के कहर से बचा लिया। लेकिन आपको क्या लगता है, कहानी यही खत्म हो गई है? मुझे ये बताएं कि वो तांत्रिक कजरी को अपने साथ क्यों लेकर गया? समझ रहे हो ना? बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, वो तांत्रिक उसे अपने साथ ले गया क्योंकि उस तांत्रिक के मन में भी पाप था। कजरी इतनी सुंदर थी कि वो तांत्रिक शायद उस पर अपना दिल खो बैठा, या फिर जब पेड़ पे बांध कर तांत्रिक उसको यातनाएं दे रहा था तब शायद कजरी ने उसको एक ऐसा ऑफर दिया जो शायद वो तांत्रिक रिजिस्ट नहीं कर सका। जी हाँ, ये कहानी और कजरी की दास्तान अभी खत्म नहीं हुई है। तो मैं कहानी में आगे बढ़ूँ उससे पहले वो देखिए साइड में ना वहाँ पे सब्सक्राइब का बटन लगा हुआ है, बस एक बार उसको दबा दीजिए, फिर हम स्टोरी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब कहानी को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड आगे करते हैं। जिनकी बड़ी बेटी थी सुलेखा, जब उसकी उम्र 11 साल थी, ऑब्वियसली एक की 11 साल रही होगी, एक की 10 या फिर 9.5 साल के आसपास रही होगी, क्योंकि 2 साल के अंतराल में दोनों बेटियां इनकी हो गई थी, तब मालती देवी की मौत हो जाती है। वो 5-6 दिन बीमार रही और फिर अचानक से उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ होने के बाद सुलेखा और शांति दोनों को इनकी दादी ने पाल पोस कर बड़ा किया था। और जब इनकी शादी की उम्र हो गई, सभी इनके फादर ने, इनकी दादी ने डिसाइड किया कि दोनों बहनों की शादी एक साथ ही कर देंगे। और कुछ ऐसा ही हुआ, सुलेखा और शांति दोनों की शादी एक साथ की गई लेकिन अलग अलग घरों में। इनकी शादी भी चंपारण में ही हुई थी। तो शादी के बाद सुलेखा अपने ससुराल जाती है। सुलेखा के जो हस्बैंड थे वो इकलौते बेटे थे अपने घर के अंदर, और इसीलिए दूसरा कोई सुलेखा का हम उम्र नहीं था। लेकिन लड़की थी अंजलि, जो सुलेखा के ससुराल में ही किराए से रहा करती थी। वो अंजलि की उम्र से थोड़ी सी ही बड़ी थी, इसलिए दोनों के अंदर 2-3 दिन में ही जान पहचान होकर एक ठीक ठाक दोस्ती इनके बीच में हो गई थी। ये दोनों अक्सर दिन भर अपना टाइम स्पेंड किया करती थी। ऑल्दो अंजलि की उम्र ज़्यादा थी लेकिन उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी, वो कुंवारी थी, क्योंकि वो गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी के लोग कहती थी कि वो पढ़ाई वढ़ाई कर रही है नौकरी के लिए। तो ऐसा ही रहा, दोस्ती बढ़ती रही, ये दोनों एक दूसरे के लिए रोज़ाना कुछ ना कुछ मतलब खाना वाना बनाती, कभी अंजलि इसके लिए बनाती, कभी ये अंजलि के लिए बनाती, और इस तरह से करीबन 1.5 महीना गुजर गया। 1.5 महीना गुजरने के बाद एक दिन अंजलि सुलेखा के पास आती है और बोलती है कि सुनो सुलेखा, मेरी ना लखनऊ में जॉब लग गई, नौकरी लग गई है, और अब उस नौकरी के लिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। उसकी बात सुनकर सुलेखा थोड़ा उदास होकर बोलती है, वो खुश भी बहुत होती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ कि तुम्हारी नौकरी लग गई है, तुम भगवान की जैसे खूब फलो फूलो, बहुत अच्छा करो, और कभी कभी मुझसे मिलने आती रहना। तो बोलती है, हाँ मैं तुमसे मिलने ज़रूर आऊँगी। और इतना कहकर वो सुलेखा से विदा लेती है और अंजलि उस घर को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। और अंजलि के जाने के 2-3 दिन बाद ही एकदम से सुलेखा की तबीयत खराब होती है। रात को वो लेटी हुई थी खाना ना खा के, और एकदम से उसको उल्टियाँ होना शुरू होती है, और उल्टियाँ ऐसी कि रुकने का नाम ना ले, एक उल्टी करे पानी पिए, फिर उल्टी, फिर पानी पिए, फिर उल्टी, और
सब लोग घर में परेशान हो गए, एकदम से इसको इतनी उल्टियां कैसे हो गई। उसको लेकर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर को समझ आया कि इसको लगातार इतनी उल्टियां क्यों हो रही है। उसने आईवी चढ़ा दी, ड्रिप चढ़ा दी है, उसने दवाइयां दे दी, लेकिन उल्टी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। रात भर वो उल्टी करती रही और सुबह तक तो उसकी हालत ऐसी हो गई जैसे वो कि बहुत बड़ी मरीज हो। वही उसका पूरा चेहरा सफेद पड़ गया था, आंखें उसकी पीली पीली हो गई थी। उसकी हालत हो गई तो उसके ससुर जी थे, उन्होंने इनके घर पे फोन किया इसके पिताजी को। उन्होंने कहा कि समधी जी, पता नहीं ये सुलेखा को क्या हो गया है, रात भर से उल्टियां कर जा रही है, इसकी उल्टियां रुकने का नाम ले रही है, पूरा चेहरा सफेद पड़ गया और आंखें बिल्कुल पीली हो गई हैं। ये सुनते उनके होश उड़ गए। उन्होंने बताया, क्या सुलेखा की भी तबीयत खराब हो रही है? तो उन्होंने पूछा, सुलेखा की भी तबीयत खराब हो रही है मतलब? बोलते कल रात को शांति के ससुराल से भी फोन आया था, उसकी भी तबीयत बिल्कुल ऐसे कैसे खराब हो रही है। ये बात सुनकर सुलेखा के पापा को समझते हुए देर नहीं लगती है कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ है। वो फटाफट से इनको बोलते हैं कि समधी जी, मैं आपके घर पे पहुंच रहा हूँ। उधर वो शांति और उसके ससुराल वालों को, उसके पति और उसके ससुर जी को फोन करके बोलते हैं कि आप लोग सीधा सुलेखा के घर पहुंचो। ये सब लोग सुलेखा के घर पहुंचते हैं, वहां मिलते हैं और उसके बाद सुलेखा के जो फादर है वो इन लोगों को बताते हैं कि जब मालती की पहली बार तबीयत खराब हुई थी तब उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था जैसा इन दोनों के साथ हो रहा है। उस टाइम पर एक डायन ने इनकी माँ के ऊपर काला जादू कर दिया था और आज बिल्कुल ऐसा कैसा ही इनके साथ हो रहा है। मैं तो हैरान हूँ कि कहीं इनके ऊपर भी किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया। उनके बात सुनकर शांति का पति बोलता है कि मुझे तो वो अनामिका भी डायन ही लगती है, वो जब से गई है तभी से इसके साथ ऐसा हो रहा है। और वो ऐसी बला की खूबसूरत थी, कोई साधारण औरत इतनी बला की खूबसूरत हो ही नहीं सकती। उनकी बात सुनते ही इधर जो सुलेखा का पति था उसके भी दिमाग में ठनकता, वो बोलता है कि हाँ, जब से हमारे यहाँ से अंजलि गई है तब से उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा है और वो अंजलि भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल क्रिएट हो चुका था। इधर जो सुलेखा शांति के फादर थे, उनकी जो मदर थी मालती, उनके उनकी बीमारी से जुड़ी हुई थी कजरी, यहाँ सुलेखा की बीमारी से जुड़ी हुई थी अनामिक अंजलि और शांति की जो तबीयत खराब थी उससे जुड़ी हुई थी अनामिका। ये तीनों अलग अलग थी या वापस से कजरी लौट कर इनकी जिंदगी में आ चुकी है। इनकी माँ को जो श्राप मिला था, इनकी माँ के साथ जो हुआ, क्या वो ही सेम चीज इनकी बेटियों के साथ हो रही थी या फिर कजरी अपनी हार का बदला लेने वापस से यहाँ पर आ चुकी थी? जब सब कुछ डिस्कशन हुआ, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, तो सुलेखा के ससुर बोलते हैं, मुझे लगता है हमें डॉक्टर को छोड़कर बड़े बाबा को यहाँ पर बुला लेना चाहिए। अभी जो बड़े बाबा थे एक्चुअली एक बहुत पहुंचे हुए, मतलब आप बोल सकते हैं पंडित और तांत्रिक दोनों थे, और जो सुलेखा के ससुर थे वो इनके शिष्य थे, और तंत्र मंत्र के मामले में बड़े बाबा के सामने कोई टिक नहीं सकता था। वो फटाफट से अपने बेटे बोलते, तू जा बड़े बाबा को बोल कि ऐसे से कुछ चल रहा है। वो जाते हैं, इनके घर के टर्म्स बहुत अच्छे थे। उसके बाद सुनते बड़े बाबा उनके बेटे के साथ इनके घर में आते हैं और घर में घुसते ही चारों तरफ देखते हैं और फिर इनके पिताजी से बोलते हैं, घर में डायन रखोगे तो बहू की तबीयत तो खराब होगी ना। उनकी बात सुनकर सभी सहम जाते हैं और ये समझ भी जाते हैं कि इन लोगों का शक बिल्कुल सही था, कि इन लोगों के साथ जो भी कुछ हो रहा है वो नॉर्मल नहीं है। इधर सुलेखा और शांति के पति बुरी तरह से टूट जाते हैं और ये सोचकर कि एक डायन उनकी पत्नी को खा गई और वही इनकी बच्चियों के पीछे भी पड़ी हुई है। बड़े बाबा बोलते हैं, इन दोनों का उपाय शमशान में होगा, शमशान में पूजा करनी होगी, इन दोनों को साथ में लेकर जाना होगा। और जैसा वो कहते हैं ऐसा ही होता है। 8-8 घंटे हर रोज करीबन 12 बजे के आसपास पूजा शुरू होती थी, रात को 8-9 बजे तक चला करती थी। लगातार 2 दिन तक पूजा हुई और तीसरे दिन जब ये पूजा चल रही थी तो शाम के टाइम पर जब पूजा चल रही थी उस टाइम पर अचानक से अंधेरे में से एक बहुत ही खूबसूरत औरत निकल के बाहर आती है। उसके आते ही पूरे एनवायरमेंट के अंदर एक ठंडक फैल जाती है। उस औरत की खूबसूरती को जो देख रहा था वो देखते रह जा रहा था और उस औरत को देखते ही एकदम से सुलेखा बोलती है, अंजलि तुम हो इन सबके पीछे। उसकी बात सुनकर अंजलि बहुत जोर से हंसने लगती है। जैसे ही वो हंस रही होती है तभी शांति सुलेखा की तरफ बोलती है, लेकिन ये तो अनामिका है। और फिर उसकी बात सुनकर वो और जोर जोर से हंसने लगती है। यानी यहाँ पर ये क्लियर हो चुका था कि अंजलि और अनामिका दोनों सेम थी, एक ही औरत सेम टाइम पर दोनों बहनों के साथ दोस्ती बनाकर बैठी हुई थी, वो एक ही टाइम पर दोनों जगह पर प्रेजेंट थी। जी हाँ, जैसे ही शांति ने बोला कि अनामिका है, बाबा की आंखों के सामने सामने उसने अंजलि से अनामिका का रूप बदल लिया। उन दोनों को देखकर वो हंसते हुए आकर बाबा के सामने बैठ जाती है और सामने बैठते बाबा उससे बोलते हैं कि ना तू अंजलि है और ना तू अनामिका है, तो वही दुष्ट कजरी है जिसने इनकी माँ की जान ली थी। ये एक रूप बदलने वाली डायन है जिसकी उम्र 100 साल के ऊपर हो चुकी है और इसीलिए इसने इतनी सारी शक्तियां अर्जित कर ली है। क्यों, सही कहा ना मैंने, उन्होंने डायन की तरफ देखते हुए बोला।
कजरी उन बाबा की तरफ देखकर हंसते हुए बोलती है, हाँ बुड्ढे सही बोल रहा है, लेकिन मेरी उम्र जान के तू करेगा क्या? मैं तेरी तरह उम्र के साथ साथ बूढ़ी और कमजोर नहीं होती हूँ, बहुत ताकत और बहुत शक्तियां हैं मुझमें, तू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। उसकी बात सुनकर बड़े बाबा बोलते हैं, डायन आज तो तू मरेगी। कजरी की आंखों में कोई डर नहीं था, वो सुलेखा के फादर की तरफ देखती और बोलती है, सब लोगों को ये लगता है, इसको भी यही लगा था कि कोई ऐरा गहरा तांत्रिक आएगा और मुझे मार देगा, मैं वो हूँ जो तांत्रिकों को भी खा जाती हूँ। बुड्ढे तू मुझे यहाँ पर आने पर मजबूर कर सकता है, लेकिन तू मुझे मार नहीं सकता। वो वहां से उठकर जाने लगती है और जैसे वो एक कदम आगे बढ़ाती है वापस ऊपर सरकती हुई आती है और गुस्से से बाबा की तरफ देखती बोलती है, बुड्ढे ये बंधन हटा दे वरना मैं तुझे इन दोनों इस आदमी को यही मार दूंगी। दरअसल बड़े बाबा ने एक घेरा बना दिया उसके चारों तरफ, जिस पर उसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि उस टाइम पर वो शांति और सुलेखा के साथ बातचीत करने में व्यस्त थे और उसी मौके पर बाबा ने एक बंधन बनाकर उसको वहां पर बांध दिया, जिसमें वो आ तो गई थी लेकिन अब वो बाबा की मर्जी के बिना उससे बाहर नहीं निकल सकती थी। उसने बहुत कोशिश की उस घेरे को काटने की, उससे बाहर निकलने की और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की, लेकिन वो इतना स्ट्रांग घेरा उन्होंने बनाया था कि उस कुछ भी नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर हाथ पैर मारने के बाद वो वापस उन बाबा की तरफ देखती है और बोलती है कि बुड्ढे मैं इन दोनों को छोड़ दूंगी, इस आदमी को भी छोड़ दूंगी और दोबारा कभी इनके घर की तरफ नहीं देखूंगी, बस मुझे तू यहां से जाने दे। बाबा सिर हिलाते और हंस रहे होते हैं, उनकी हंसी को देखकर बोलती है, अच्छा बुड्ढे चल ले लेना तू भी मेरी खूबसूरती का फायदा जैसे और तांत्रिक लेते हैं, अब जाने दे मुझे, मैंने बहुत मेहनत की ये सब पाने के लिए। उधर बाबा उसको देखकर बोलते हैं, आज तक तेरा सामना किसी सच्चे पंडित या तांत्रिक से नहीं हुआ और इसीलिए तू इतनी औरतों का शिकार कर चुकी है, लेकिन ये ध्यान रख आज तेरा अंत होगा। यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि पिछली बार जब मालती देवी का इलाज हुआ था तो जो तांत्रिक था वो कजरी को अपने साथ ले गया था क्योंकि कजरी ने उसको अपने रूप का लालच दे दिया था। तो उस तांत्रिक ने उसको भोग लिया, उसके बाद उसने उसकी शर्त मानी और उसको आजाद कर दिया, लेकिन अपने अपमान का बदला कजरी भूली नहीं थी और उसने इंतजार किया मालती देवी की दोनों बेटियों के बड़े होने का, जहां से उसके दो दो पर्पस सॉल्व हो रहे थे, एक उसका बदला पूरा हो रहा था और दूसरा उसे उसके पास जो विद्या थी उससे वापस से अपनी उम्र को और बढ़ाने का मौका मिल रहा था। अब देखते ही देखते कजरी के चारों तरफ पांच पंडित आकर और बैठ जाते हैं घेरा बनाकर और फिर उसके बाद शुरू होती पूजा। उसके बाद बड़े बाबा अपने ध्यान में चले जाते हैं और धीरे 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 कजरी की सच्चाई सब लोगों के सामने आना शुरू होती है। करीबन 4-5 घंटे लगातार से चल रहा होता है और धीरे धीरे वो जो सुंदर जवान कजरी थी वो एक बदसूरत बूढ़ी औरत के अंदर बदलना शुरू हो जाती है, जिसका कुबड़ निकला हुआ होता है, बहुत ही बुरी उसकी हालत हो रखी होती है और ऐसे करीबन जैसे 100, 120, 130 साल की उम्र तक कोई बूढ़ी औरत झीली हो ऐसी उसकी हालत हो चुकी थी। उसके असली रूप में आने के बाद बाबा आँख खोलते बोलते हैं, ये है तेरी असली हसलियत, सही उम्र में मरी होती ना तो तूने ये सब काम नहीं किए होते, लेकिन अब मैं तुझे मारूंगा नहीं, मैं तुझे इसी हालत में छोड़ दूंगा, तू अपने आप सड़ सड़ कर मरेगी। कजरी का रो रो कर बुरा हाल हो गया था, वो बुरी तरह से फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, वो सीधी अब घेरे में अंदर रहने का कोई, घेरे से बाहर निकलती चिल्लाती हुई हवन से एक लकड़ी उठाती है और अपनी तरफ लाकर बोलती है कि बदसूरत होकर जीने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं, और वो अपने शरीर को आग लगाती है और थोड़ी देर के अंदर वहां पर उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद बाबा बोलते हैं कि अब दोनों बच्चियां कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी, आप लोग इन्हें लेकर घर जाइए, इसका अंतिम संस्कार करना जरूरी है वरना इसकी आत्मा भटकती रहेगी और कई लोगों को परेशान करेगी। ऐसा ही किया गया, उनके फादर वहीं रुके और उनको सबको भेजा गया। उसके बाद उस कजरी की जो बॉडी थी उसका अंतिम संस्कार किया गया और इसके 10-5 दिन के अंदर ही सुलेखा और शांति की तबीयत भी ठीक हो गई और उसके बाद दोबारा कभी उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ये थी एक अनोखी कहानी बदले की, एक ऑब्सेशन की, जहाँ पर एक औरत को हमेशा जवान रहने का भूत सवार था। ऐसा नहीं है कि सब पहले टाइम पर होता था, आज भी ऐसे कई लोग हैं जो साइंस को यूज़ करके हमेशा जवान बने रहना चाहते हैं, जिसका एग्जाम्पल आप सभी लोगों के सामने एक बिलेनियर, मुझे उनका नाम याद नहीं है अभी क्योंकि मैं इतना सोच के नहीं आया उनके बारे में, बट सेम चीज़ है, हर कोई हर टाइम हमेशा के लिए जवान बने रहना चाहता है, नेचर के साइकिल को ब्रेक करना चाहता है। आज का जो साइंस है वो दिखता है और शायद उसके थ्रू वो अपने जीन स्ट्रक्चर में चेंज कर कर या फिर जो भी टेक्नोलॉजी को यूज़ कर जवान रहना चाहते हैं और शायद एक ये टेक्नोलॉजी थी तंत्रा वाली
जो शायद बहुत कम लोगों को पता थी और जिनको पता थी वो उसका गलत फायदा उठाते थे। आप लोगों को क्या लगता है, ये कजरी का जो ऑब्सेशन था ये उसका मेंटल क्रिएशन था या वाकई में उसके पास ऐसी कोई सुपर नेचुरल पावर या ऐसी कोई विद्या थी जिससे वो किसी और की खूबसूरती को छीनकर अपने अंदर समाहित कर लेती थी और अपनी उम्र को बढ़ाती जा रही थी। उसकी इतने लंबी उम्र का राज क्या था, जो मालती देवी और उनके बेटियों के साथ हुआ या गांव की और औरतों के साथ हुआ, उसके पीछे उस औरत का अंधविश्वास था, फिर वाकई में उसके पास इस तरह की कोई पावर्स थी। आपको क्या लगता है, अपने व्यूज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग, कीप लिसनिंग एंड डू सब्सक्राइब आवर चैनल।